हाई फ्रेंड्स वेलकम टू आई एक्स एम बी सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉट वी आर गोइंग टू सी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग नाबार्ड एग्जामिनेशन राइट इंडिया इज जूट इकोनॉमी तो देखो मैंने यहाँ पर ए आर डी से लिए लिखा क्योंकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली दैट कीप्स ए डिरेक्ट रिलेशन बिटवीन अडिलेक्ट रिलेशन टू योर ई एस आई सिलेबस राइट बट यहाँ पे द प्रोडक्ट इज जूट सो

तो इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है एंड दिस इज ऑल्सो ए कैश क्रॉप राइट एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न आई होप यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग इन योर स्टैटिक ए आर डी पार्ट राइट लेट्स मूव एंड लेट्स सी नेक्स्ट थिंग जूट का और क्या क्या फायदा है जूट इज वन ऑफ दी हाईली प्रॉफिटेबल यू नो क्रॉप अब ये हाईली प्रॉफिटेबल है तो ये क्यों हाईली प्रॉफिटेबल है लीव्स ठीक है जूट का जो लीव्स है ये वेजिटेबल्स के हिसाब से बिकता है बिफोर इवन इट इज हार्वेस्टेड सो मतलब सोचो एक क्रॉप पैदा होने से पहले ही उसका इकोनॉमिक वैल्यू आना शुरू होता है फर्स्ट थिंग ओके दैट इज लीव्स नेक्स्ट थिंग दैट वी वुड सी इज द इनर स्टेम इनर स्टेम से क्या होता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग होता है राइट देन कम्स द आउटर लेयर आउटर लेयर से क्या होता है फाइबर प्रोडक्ट्स बनता है सो बाय दिस आपको ये क्लियर हो गया कि जूट कितना इम्पॉर्टेंट है राइट एंड वेन ए पर्टिकुलर थिंग इज सो इम्पॉर्टेंट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इज ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट राइट आगे बढ़ते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज वट वी विल एक्चुअली सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी वुड एक्चुअली सी दैट बांग्लादेश जूट इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग इज ऑन द पॉजिटिव साइड बट वेर वी आर इंडियाजूट इकोनॉमी इज फ्लैटरी राइट इंडिया का जो जूट इकोनॉमी है वो फ्लैट चल रहा है मतलब उसको हम डाउन नहीं बोल सकते डाउन मीन्स सम वर्ड लाइक दिस से यू नो एक ही लेवल पे ऊपर मतलब एक फ्लैट लाइन ड्रॉ कर रहा है सो वी वुड सी दैट सो जस्ट टू एक्सप्लेन यू दर्ल्ड मैंने वो छोटा सा ग्राफ आपके लिए बना दिया लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी few more data to understand this fact. The data is as per third agriculture estimate right released by the Union Ministry of Agriculture and Farmer welfare in May 2022. Data aisa hai ki 2011-12 May. Okay, the production was somewhere around 2.303 million tons. Abhi wo कम होके ये दिख रहा है हमको 2021-22 में वो हो गया 1.77 मिलियन टन्स राइट तो यहाँ पे भी एक फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया है कि हमारा जो डेटा है मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम 2.03 पॉइंट जीरो तो, टू तुम्हारा 1.77 पॉइंट पीरियड क्या है एक डीकेड ऑलमोस्ट सो एक डिकेड में तुम देखो डेटा आई मीन द प्रोडक्शन इज फॉलिंग राइट सो so, ये फैक्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है नाउ लेट्स गेट इंटू मोर फैक्ट बट यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले मैं आपको एक चीज सोचने के लिए बोलता हूं आप एक चीज सोचो एंड इट शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस राइट बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट एन एग्जामिनेशन विच इज ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर सो द थिंकिंग दैट शुड कम टू यू शुड यू नो वेरी स्पॉन्टेनियस ठीक है अगर अभी नहीं होगा यू विल डेवलॉप बी विथ अस राइट तो यहां पे ये सोचो अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो तुमको सबसे पहले ये समझना है कि उसका रीजंस क्या हो सकता है पहला दूसरा उसके जो क्योंकि देखो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मतलब एक पर्टिकुलर एरिया या लैंड लगता है इसको उगाने के लिए इसको तैयार करने के लिए तो ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हुआ होगा तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में वी वुड टेक अप दैट डेटा एज पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस विच इज़ कॉल्ड इन शॉर्ट एज सी ए सी पी हम ये देख रहे हैं कि टू थाउजेंड से टू थाउजेंड वन आई मीन टू थाउजेंड से टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड नाइन टू टेन मतलब दस साल में द एरिया वेर जीरो पॉइंट एट टू मिलियन हेक्टर मतलब इतने से जगह में प्रोडक्शन होता था कौन से पीरियड में बिटवीन दिस टेन ईयर टू थाउजेंड वन अच्छा एचएसको 2001 कंसीडर करो राइट फ्रॉम 2001 टू 2010 ये डिकेट पे कितना होता था 0.12 मिलियन हेक्टर राइट अभी का एक कंपैरेटिव डाटा देखते हैं नेक्स्ट डिकेट का राइट right? और प्रीसीडिंग डिकेट नॉट प्रीसीडिंग उसके बाद वाला डिकेड 2010 से 2011 ओके okay? और यू कैन से फ्रॉम 2011 टू 2020 हम देख रहे हैं कि 0.73 मिलियन हेक्टर तो यहां पे भी देखो गिर गया डेटा अब ये किस चीज का डेटा है लैंड का जो मैंने लास्ट वाले स्लाइड में आपको सोचने को बोला था राइट right? लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा क्या प्रोडक्शन गिर गया उसके में हमने ये भी देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो गिरा है उसके साथ साथ जो हार्वेस्टेड लैंड है वो भी गिर गया है एरिया राइट right? आगे हम और भी देखते हैं तो देखो मैंने इंडिया के मैप में वेस्ट बेंगाल ओके ऑल दो आई हैव नॉट रिटर्न इट बट दिस इज वेस्ट बेंगाल यू माइट बी नोइंग इट राइट सो वेस्ट बेंगाल इज द इज वन ऑफ द स्टेट विच इज हाइस्ट इन जूड प्रोडक्शन इन दर कंट्री वो ऐसे हैं कि आउट ऑफ नाइंटी थ्री मिल्स इन इंडिया सेवेंटी तो सिर्फ वेस्ट बेंगाल में है ओके सो जस्ट थिंक की जूथ प्रोडक्शन कितना ज्यादा होता होगा वेस्ट बंगाल में आउट ऑफ 93 थ्री मिल्स फंक्शनल मिल्स राइट सेवेंटी कहां पे है ओनली इन वन इंडियन स्टेट दैट इज वेस्ट बंगाल तो अभी यहाँ के डेटा को थोड़ा समझते हैं तो यहां पे ऐसा है कि एरिया रिड्यूस्ड बाय 0.1 मिलियन हेक्टर बिटवीन 2010 टू 2021। तो इस डिकेट पे भी इस वाले रीजन पे भी तुम देखो देखो ये रीजन को स्पेसिफिकली इसलिए हाईलाइट किया गया है बिकॉज आउट ऑफ बिकॉज देर आर टू रीजन्स फर्स्ट थिंग एक तो वेस्ट बंगाल जूट प्रोडक्शन में नंबर वन है सेकेंड थिंग आउट ऑफ नाइन्टी थ्री मिल्स सेवेंटी मिल्स वेस्ट बंगाल में है तो तुम ये बोल सकते हो वेस्ट बंगाल ही ऑलमोस्ट इंडिया का यू नो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मोर देन नाइन्टी परसेंट प्रोडक्शन कौन दे रहा है वेस्ट बंगाल तो उसके डेटा को डीपली स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है देन एरिया रिड्यूस्ड बाई जीरो पॉइंट वन मिलियन हैक्टर बिटवीन टू थाउजेंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन राइट ना लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक इफेक्ट अब हम थोड़ा थोड़ा हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं इंडिया जूट इकोनॉमी देखो अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है फैक्ट्स को समझा है राइट अभी हम उसके एनालिटिकल पार्ट में जा रहे हैं तो एक वीडियो को पूरा देखना तुम्हारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू नो इट्स इट्स लाइक ए यू कैन से इट्स लाइक ए केमिस्ट्री में तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ना कोई भी इक्वेशन तुम लेफ्ट हैंड साइड करके और राइट हैंड साइड को छोड़ दोगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसका सो वट वी हैव सीन नाउ ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ लेक्चर हाफ इज फैक्ट्स नाउ वी विल सी दिटिकल पार्ट ऑफ इट ओके द इकोनॉमिक इफेक्ट तो अब हम समझते हैं बिफोर द इकोनॉमिक इफेक्ट लेट मी टेल यू वन फैक्ट अबाउट दूठ पैकेजिंग मटेरियल एक्ट नाइनटीन एटी सेवन तो ये एक्ट ऑल ऑफ ए सडन मैं क्यों बता रहा हूँ राइट बिकॉज अगर आपको पता होगा दैट्स फाइन अगर आपको नहीं पता होगा यू विल बी शोर टू नो दैट ये एक ऐसा एक्ट है जिसके जिसको यूज़ करके गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करता है किसके लिए ऑर्डर इशू करता है तुम्हारा पैकेजिंग बैग्स के लिए फॉर एग्जाम्पल जो हंड्रेड परसेंट मतलब ये लॉ के हिसाब से ये एक्ट के हिसाब से हंड्रेड परसेंट फूड ग्रेन्स हंड्रेड परसेंट जो फूड ग्रेन्स है वो जूट बैग में पैक होगा और जो ट्वेंटी परसेंट शुगर मतलब जूट इंडस्ट्री को स्ट्रेट अवे इस एक्ट से एक सपोर्ट मिल रहा है क्यों क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल्स हंड्रेड परसेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स विल बी पैक्ड इन ए जूठ राइट तो अब इसके इकोनॉमिक इफेक्ट पे जाते हैं हम समझते हैं देखो अभी तुमने ये समझा कि यह एक्ट तो अच्छी बात है गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है एम आई राइट ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो एग्री आई विल ऑल्सो एग्री बट सी सपोर्ट करने के बाद भी डेटा हाउ डस दिस डेटा कम्स अप राइट तो अब देखो लेट 2000 में यू नो जूट का जो प्राइस था जिस प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदता था एम एस पी ओके समवेयर अराउंड थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड पर टन था नेक्स्ट टेन ईयर्स में 2010-11 टेन इलेवन में वो कमते कमते कितना हो गया 2000 सॉरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर टन हो गया राइट right? तो अब देखो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द प्राइस शुड इंक्रीज राइट सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू गिट लेबर कॉस्ट यू नो इन्फ्लेशन बहुत कुछ होता होगा एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है वो आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम द ई एस आई सिलेबस बट यहाँ पर आप देख रहे हो डेट ड्यूरिंग दिस डी के दाइज हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर टन सो इसका कुछ तो इफेक्ट होगा ना ये जो प्राइस गिर गया है इसका कुछ तो इफेक्ट होगा इसका इफेक्ट ऐसा है कि ये प्राइस गिरने के वजह से इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के लिए इनपुट कॉस्ट को कवर करना मुश्किल हो गया है राइट right? वो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे इसी लेक्चर पे। अब इससे हम समझते हैं कि ये जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर टन हुआ वो नाइन्टी परसेंट सप्लाई कहाँ जाता है एफसीआई में जाता है स्टेट एजेंसी और बाकी का एक्सपोर्ट हो जाता है स्टेट एजेंसी किस लिए स्टेट एजेंसी स्टेट एजेंसी को भी समझो फॉर एग्जांपल हर स्टेट में जो अलग अलग प्रोडक्शन होता है राइस का यू नो देन वीट का तो ये जो पैक होता है एफ या एम के थ्रू गवर्नमेंट खरीदता है खरीदने के बाद ये जो पैक होता है ना, ये जूट के बैग में पैक होता है राइट right? तो इसीलिए स्टेट एजेंसी बाकी फिर एफ सी करना है मतलब नाइन्टी परसेंट इंडस्ट्रियल सपोर्ट गवर्नमेंट से आता है नाइन्टी परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन जो वो लोग बनाते हैं वो सप्लाई गवर्नमेंट कंज्यूम कर लेता है बाकी का जो टेन परसेंट बचता है वो एक्सपोर्ट करते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इनको करता कौन है इनको करता है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो अभी सवाल ऐसा भी आता है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सारे चीज़ तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सामने हो रहा है तो वाई इज नॉट दिस जूथ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्पिंग दम तो यहां पर देखो जूथ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी में टू थाउजेंड पे जीरो पॉइंट वन फोर मिलियन टन खरीदा था एंड देन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में जीरो पॉइंट जीरो मिलियन टन देखो यहाँ पर भी डेटा तुमको कम दिख रहा है अभी देखो यहाँ पर डेटा इसीलिए डीकेट पर डाउनफॉल हुआ बिकॉज हमने शुरू में ही देख लिया था कि इंडिया का प्रोडक्शन तो गिर रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कब गिरता है जब उसका डिमांड कम हो जाता है डिमांड कौन क्रिएट करता है गवर्नमेंट से क्रिएट होता है यू you नो know, अगर डिमांड फॉरेन कंट्रीज से आते हैं तो डिमांड क्रिएट होता है अगर डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रहा है क्योंकि सप्लायर यहाँ पे कौन है आई मीन बायर यहाँ पे कौन है ओनली गवर्नमेंट बाकी तो देखो 90 परसेंट जब गवर्नमेंट बाई कर ले रहा है तो बाकी सब छोटे बायर हैं गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट बायर तभी गवर्नमेंट से ही अगर सप्लाई गिर जाता है तो ऑब्वियसली डिमांड भी गिरेगा तो जो हमने शुरू में फैक्ट्स देखा था वो अभी यू नो एनालिटिकल पार्ट में प्रूफ होता जा रहा है आगे हम और भी देखते हैं कंपेयर करते हैं इसको बांग्लादेश के साथ राइट right? ना बांग्लादेश के साथ अगर कंपेयर करो ये जो डेटा सोर्स है ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ का राइट right? जो फर्स्ट ग्राफ दैट यू कैन सी इन योर स्क्रीन

यहाँ पे जो शुरू में हमने देखा था फ्लरिशिंग और फ्लैटनिंग उसको समझते हैं लुक आफ्टर 1990, यू सी हियर इट वाज ए गुड ग्रोथ अब यहाँ आने के बाद ये देखो एक एक डिकेड है पूरा 2020 हजार बीस सॉरी टू 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 तुम देखो पूरा फ्लैट है उसके थोड़ा सा आगे जाके तुमको डाउनफॉल नजर आ रहा है मतलब इसको हम क्या बोलते हैं फ्लैट राइट right? अभी तुम बांग्लादेश को रेड लाइन्स को देखो राइट right? ये वाला जगह पे इसके बाद यहाँ जो गया बांग्लादेश इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को कंपेयर करो फिर भी देखो कितना स्टीप है ऊपर है राइट सो दैट्स वाई बांग्लादेश इज फ्लरिशिंग अभी सिर्फ इतना ही ग्राफ दिखा के फ्लरिशिंग बोलना सही नहीं रहेगा वी विल डू मोर एनालिटिकल ऑन वाई बांग्लादेश इज फ्लरिशिंग टू अंडरस्टैंड वाई इंडिया इज फ्लैटनिंग ये समझना जरूरी है क्योंकि लेट मी गो यू नो वन स्टेप बैक नो सो वॉट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बांग्लादेश इट्स जस्ट बिसाइड वेस्ट बंगाल राइट तो देखो एक ही रीजन ऑल दो देश आर टू सेपरेट कंट्रीज बट एक ही रीजन में यू नो एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो होगा तो एक जगह से प्रोडक्शन कम हो जा रहा है तो दूसरी जगह से प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है क्यों बढ़ जा रहा है वी विल अंडरस्टैंड दैट राइट तो देखो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो इंडिया है ये सेवन परसेंट एक्सपोर्ट इन ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट मतलब सेवन परसेंट शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में किसका इंडिया का वैर एज बांग्लादेश का है सेवेंटी फाइव परसेंट तो ऐसा क्यों है ओके तो मैंने ये ग्राफ आपको नहीं बताया था ये ग्राफ में आप देखो रेड लाइन ऊपर जाता हुआ दिस मीन्स बांग्लादेश का जो एरिया है हार्वेस्टेड एरिया वो बढ़ रहा है वेगरज इंडिया का कम हो रहा है इंडिया का कम हो रहा है एंड दैट इज एफैक्ट राइट वाई बिकॉज देर इज नो एक्स्ट्रा डिमांड प्रोडक्शन हैज़ टू गो डाउन नहीं तो कौन खरीदेगा इसीलिए एरिया कम हो जा रहा है वेगस बांग्लादेश जो सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर है उसका ग्लोबल एक्सपोर्ट में ऑब्वियसली बात है उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे उनका हार्वेस्टेड एरिया को बढ़ाते हुए जो डेटा ऑफ से भी एविडेंट है करेक्ट अभी तुमको एक सवाल ये भी आता होगा कि बांग्लादेश ऐसा कैसे कर पा रहा है सो so, अभी तुमको एक आयरनी की बात बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 2020-21 इंडिया इंपोर्टेड रुपीस 1123 करोड़ जूट प्रोडक्ट्स राइट right? लाइक यान फ्लोर कवरिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम बांग्लादेश अभी देखो इंडिया हाइस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश से तो अब तुम सोचो वाई राइट right? कुछ तो अलग हो रहा है बांग्लादेश में जिसको समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग राइट टू अंडरस्टैंड वे फॉरवर्ड ऑन इंडिया ड्यूट इकोनॉमी वी वुड हैव टू अंडरस्टैंड वट बांग्लादेश इज डूइंग कैन वी डू इट और वेर वी आर लैगिंग राइट कि बांग्लादेश हमारे मार्केट को ले जा रहा है हमारे प्रोडक्ट को हमसे छीन के वो ग्लोबल लीडर बनता चला जा रहा है सो द रीज़न इज एक तो है लो वेजेस राइट ऑल दो इंडिया इज ए लो वेज कंट्री बट इंडिया से भी लो वेज कंट्री कौन है बांग्लादेश है टेक्सटाइल में भी आगे हैं बट यहाँ पे हम जो जोट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्सटाइल बट लाइक स्टॉक ओनली अबाउट जूट ओके लो वेज है उसके बाद फेवरेबल पावर टैरिफ तीसरा है कैश सब्सिडी फॉर एक्सपोर्ट तो ये यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट सपोर्ट दूसरा है क्वालिटी रेटिंग तो सबसे पहले हम कैश सब्सिडी की बात को समझते हैं देखो कैश सब्सिडी कुछ ऐसा है बांग्लादेश नाइन टू टेन परसेंट कैश सब्सिडी देता है एक्सपोर्ट के लिए फार्मर्स को तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्ट व्हेन दे आर गेटिंग 9 टू 10 परसेंट वेरज इंडियन फार्मर को 1.5 से 3 परसेंट के बीच में मिलता है करेक्ट तो यहां पे इंटरेस्ट कौन कौन दिखाएगा फार्मर्स फ्रॉम बांग्लादेश ऑब्वियस सी बात है जिनको 9 से 10 परसेंट मिल रहा है तो ये स्पेसिफिकली उनको कौन से प्रोडक्ट में मिलता है फूड ग्रेड बैग्स में मिलता है राइट एंड फूड ग्रेड ब्रैक्स बहुत यूज होता है तुम्हारा जूट का फूड ग्रेड बहुत यूज़ होता है तुम्हारा पूरे वर्ल्ड पे सो नाइन टू टेन परसेंट मिलता है बांग्लादेश के फार्मर को इसीलिए उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग क्वालिटी रेटिंग तो देखो रेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है ना जूट का क्वालिटी आई मीन दी शाइनिंग ऑफ दैट दैट फाइबर इंक्रीसेस थ्रू दिस प्रोसेस तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जूठ को पानी के अंदर ना डुब डुबो कर रखा जाता है है ना इट इज़ बिंग डिप्ट इन थर्टी सेंटीमीटर वाटर बट दैट हैज़ टू बी मूविंग वाटर बट इंडियन फार्मर डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी यू कैन से बट दे हैव इट राइट अभी देखो फैसिलिटी एक तो नेचुरल हो सकता है दूसरा क्रिएट किया जा सकता है ऑब्वियसली इंडिया ने आईकर एक मशीन बनाया है बट अगेन दैट्स कॉस्टली है ना हर कोई उसको एफोर्ड नहीं कर सकता हर हर इंडस्ट्री उसको एफोर्ड नहीं कर सकता आई I मीन mean, हर कंपनी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता सो इन दैट केस उसका स्केलअप पॉसिबिलिटी से बाहर जाता हुआ दिख रहा है वेर एस बांग्लादेश एक ऐसे लोकेशन पे है उसको नेचुरली भी वो चीज नेचुरली भी उसको वो मदद मिल जा रहा है ये प्रोसेस में सो दैट्स वाई वहाँ पर वो कुछ कॉस्ट भी सेव कर दे रहे हैं बाई इंक्रीजिंग दी क्वालिटी यहाँ पर समझने का तुम्हारे पास बहुत कुछ है राइट मे बी वॉट यू कैन सी इन यूर स्क्रीन इज वेरीस बट यू नो वट आई स्पोक एंड वेन यू कोगलेट दिस थिंग यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ डेटा टू राइट यू नो समथिंग बीनिंगफुल इफ़ यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू द जूट इकोनॉमी आई होप यू नो आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर तो अभी इसको हम डेटा में बदल के देखते हैं सो डेटा में अगर हम इस चीज को बदलें तो हम देख रहे हैं इंडिया जो है जो गवर्नमेंट खरीद लेता है राइट समवेयर अराउंड नाइन्टी टू नाइन्टी टू परसेंट उसके बाद जो बच जाता है उसका एटी फाइव परसेंट चला जाता है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे और पंद्रह परसेंट चला जाता है तुम्हारा एक्सपोर्ट पे वेर एस बांग्लादेश के, के केस में पूरा उल्टा है इट्स यू नो इट्स द रिवर्स ओके इट्स द रिवर्स तो यहाँ पर और एक चीज़ समझना है जो हाई फैशन ब्रांड्स हैं राइट हाई फैशन ब्रांड्स मतलब वो uh, पहले तो नहीं था बट हाल ही में वो शुरू हुआ है प्रोबेबली ये डी फ्रॉम फ्रामी डी के जैसे जूट का यू you नो know, दी डिज़ाइनर बैग्स दी चप्पल्स एंड समबल्स एज वेल तो वो सारा चीज़ इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पन ज़्यादा है एज बांग्लादेश में कम है बांग्लादेश उसको एक्सपोर्ट कर देगा तो जिस वजह से क्या हो रहा है ना उनको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है जो हमको नहीं मिल रहा है India is not enjoying that benefit of diversification, whereas Bangladesh is enjoying. Correct? So इससे हमको ये समझ में आता है कि हमको अपना डेटा सही करना है हमको जूट इकोनॉमी को बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन Because 90% परसेंट तो हम मतलब अगर इंडस्ट्री के तरफ से देखो तुम नाइन्टी परसेंट कंजम्पन कौन कर रहा है गवर्नमेंट कर रहा है बायर कौन है गवर्नमेंट है बाकी का टेन परसेंट सोचना है हमको राइट right? तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं है यहाँ पे करेक्ट सो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ से शुरू होना चाहिए सबसे पहले इट शुड इट शुड कम फ्रॉम द टॉप एवरी वन हैज टू टेक पार्ट इन इट ओनली देन इट कैन बी ए सक्सेस अब हम बात करते हैं चैलेंज इन डाइवर्सिफिकेशन अब चैलेंज क्या है मतलब हमको पता तो है कि हाँ डाइवर्सिफिकेशन करने से शायद सोल्यूशन मिल जाए बट हम करते क्यों नहीं है व्हाट इज द चैलेंज द चैलेंज इज लेबर शॉर्टेज ओके द चैलेंज इज लेबर शॉर्टेज अभी देखो ये एक आई मीन देर आर फ्यू रिपोर्ट्स फ्रॉम दिस दिस लेक्चर इसमें तो उस पर कुछ कमेंट्स फ्राम द फ्राम द जूट फैक्ट्रीज वेस्ट इन वेस्ट बेंगाल कुछ लेबर शॉर्टेज का रीज़न ऐसा दिया गया है कि जो जूट के पेड़ होते हैं ना दे आर वेरी बिग यू नो दे आर वेरी बिग एट टू नाइन फीट स्टॉल तो लेबर्स और जो कस्टमर्स हैं ना वो उसके अंदर पे घुस के उसको चेक करने के लिए ना डरते हैं सो सो दैट इज वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन बाकी देखो लेबर शॉर्टेज तो हर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत होता ही है कहीं ज़्यादा कहीं कम सो दिस इंडस्ट्री इज अगेन यू नो बचा हुआ नहीं है ये भी लेबर शॉर्टेज से जूझ रहा है सेकेंड इज डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑन होम डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट कि हमको बेचना इंडस्ट्री की तरफ से चैलेंज तो क्या है कि हमको बेचना तो गवर्नमेंट को ही है क्योंकि रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ही हमारा नाइन्टी परसेंट तो लेके जाएगी बाकी टेन परसेंट के लिए हमको सोचना है सो दे दे डोंट यू नो लुक अप टू दी क्वालिटी बियॉन्ड वॉट गवर्नमेंट इज आस्किंग मतलब वो एक्सपोर्ट लेवल का जो प्रोडक्ट है ना वो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि नाइन्टी परसेंट तो वो एक लेवल पर बिक जा रहा है बाकी टेन परसेंट को ले सोचना है तो देखो आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज द की वर्ड राइट दिस इज द वन थिंग दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन एवरी थिंग इज योर्स ओके

हमने एक प्राइस पहले थर्टी के टू फोर्टी के था आज के दिन में एक के बाद, 10 year, up, 25K, 25, so, उनका बच गया, uh, sorry, गया है तो वो मॉडर्न बनेंगे कहा मॉडर्नाइजेशन पे खर्चा करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा ना इनके पास तो है ही नहीं वो इनके पास तो है ही नहीं वो अब एक दूसरा डेटा ये भी वेस्ट बंगाल से है कि बिटवीन अक्टूबर 21 वन टू मे ट्वेंटी टू टेन मील्स बैग क्लोज है ना यही सारे चैलेंजेस के चलते ये अब देखो अगेन वाई वेस्ट बंगाल तो तुमको रीजन ऑलरेडी पता है रिपीट करके है ना लेक्चर को लंबा करने का कोई मीनिंग नहीं है आपको पता है वेस्ट बंगाल क्यों है देन सिक्सटी थाउजेंड पीपल वेयर ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री दूसरा है कैप इन रॉ जूट प्राइस टू रुपीज सिक्सटी फाइव हंड्रेड पर क्विंटल तो देखो ये सेप्टेंबर थर्टी सेप्टेंबर थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को गवर्नमेंट ने है जो जो रॉ जूट गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री खरीदती है मतलब ये एक जूट फैक्ट्री है ठीक है ये रॉ जूट किसी फार्मर से खरीदेगी तो वो जो फार्मर से खरीदता है ना वो है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर क्विंटल करेक्ट बट इनका जो एक्चुअल कॉस्ट है ना वो समवेर अराउंड सेवन थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड आता है जिस वजह से अगेन उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो मतलब प्रॉफिट करेंगे भी तो कहाँ से करेंगे और प्रॉफिट नहीं करेंगे तो वो डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा क्योंकि वो एक्सप्लोर uh, नहीं कर पाएंगे क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे दे विल नॉट बी एबल टू मॉडर्न बिकम मॉडर्न दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व लेबर शॉर्टेज प्रॉब्लम है ना तो अब हम चलते हैं वे फॉरवर्ड तो आई होप ये ये सारा चीज़ यू नो को में आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहला फैक्ट देन एनालिसिस ऑफ डेटा देन लुकिंग एट द डेटा फ्रॉम दी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश की उन उन्होंने एक्स्ट्रा ऐसा क्या किया है क्या हम वो कर सकते हैं राइट सो दैट इज अगेन यू नो दैट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम इफ गवर्नमेंट डज दैट और समथिंग एक्स्ट्रा टू टू अपलिफ्ट दिस इंडस्ट्री वे फॉरवर्ड क्या है वे फॉर्वर्ड ऐसा है कि करेंटली जो बैग का प्राइज़ है वो प्रोविजनल रेट टू से ही चल रहा है जो कि सिक्स मंथस के लिए था बट वो चल रहा है एक रिपोर्ट सबमिट हुआ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में इन अप्रैल 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन विच इज स्टिल पेंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन सो वंस दिस इज इम्प्लीमेंटेड प्रोबेबली थिंग्स विल नॉट बी लाइक दिस बट अगेन टाइम विल से दैट देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ जूट मिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर देयर सर्वाइवल और यू कैन से फॉर देयर अपलिपमेंट और फॉर देयर लेवल प्लेइंग फील्ड इन दी कंपिटिटिव ग्लोबल एरिना देन सब्सिडी बाय दी यूनियन गवर्नमेंट फॉर कैपिटलिस्टिक टू रिप्लेस ओल्ड मैसीनेरी राइट ये सारा चीज होना चाहिए सो विद दिस आई वुड से अनलॉक योर पोटेंशियल फॉर वॉट फॉर द अपकमिंग नाबार्ड एग्जामिनेशन फॉर विच आई एक्स एम बी इज ऑफरिंग द ऑनलाइन कोर्स द इंट्रोडक्शन क्लास इज स्टार्टिंग ऑन ऑगस्ट फोर्टीन विद दिस थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर विद आई एक्स एम बी